तारामंडल क्षेत्र में काफी दिनों से परफेक्ट ग्रुप के नाम से ऑफिस में पासपोर्ट बनाने और विदेश भेजने का काम अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से 35,000 भी वसूले जाते थे। साथ ही साथ आजाद भारत पत्रिका नाम की पोर्टल न्यूज जालसाजी करके संचालित किया जाता था। जालसाजी का धन उगाही करने वाले सद्दाम नाम के युवक की पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम का साथ देने वाला नौशाद जो फोटोकॉपी करके जरूरी कागजात को प्रिंट करता था, उसको भी पुलिस ने मौके से धर दबोचा। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। कबूतरबाजी शब्द है ये, विदेश भेजने के नाम पे सद्दाम तारामंडल क्षेत्र में एक परफेक्ट ग्रुप नाम का ऑफिस बनाए थे, जिसका नाम रखा गया था टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये वहाँ पर जो भी लोग बेरोजगार थे, जिनके पास पासपोर्ट होता था या पासपोर्ट बनवाने का भी ठेका लेते थे विदेश भेजने के नाम, ये उनके यहाँ कथित तौर पर इंटरव्यू का संचालन भी होता था और लोगों को झांसा देके अच्छे पदों का नाम देके कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर विदेश भेज देते हैं, फिर वहाँ शिकायत मिलती है। कल इनके यहाँ इंटरव्यू चल रहा था, लोगों ने शिकायतें किया कि ये 35,000 रुपये लिए हैं और कई लोगों से पैसा लेके उन्होंने विदेश भेजा भी नहीं था। और जब इनके ऑफिस पे छापामारी की गई तो आज़ाद पत्रिका आज़ाद भारत पत्रिका के नाम से इनका यह कहना है कि हमने एक न्यूज़ पोर्टल बना रखा था और आज़ाद भारत पत्रिका का इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में ABP न्यूज़ कर रखा था, जो कि गलत है। वो एक स्तरीय न्यूज़ चैनल है, वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि आपने अपने ऑफिस पर ABP न्यूज़ क्यों लिखा है, तो उनका यह कहना है कि हमारा जो न्यूज़ पोर्टल है वो आज़ाद भारत पत्रिका के नाम से है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इन्होंने फर्जी तरीके से गलत चैनल का नाम यूज़ किया और जो जिनका इंटरव्यू चल रहा था उनकी शिकायतें थी कि उनसे ज़्यादा पैसा लिया गया है और कई लोगों को पैसा लेके विदेश इनके द्वारा भेजा भी नहीं गया। कितने दिन से संचालन कर रहे थे इनका ऑफिस? काफ़ी दिनों से खुला है। एक बार और LIU की टीम और वहाँ गई थी तो जो शिकायतकर्ता लोग थे वो फिर बैकफुट पर चले गए थे, उन्होंने अपनी शिकायतें वापस ले लिया। हाँ, इनके यहाँ एक फ़ोटो कॉपी करने वाला इनका एक कर्मचारी है नौशाद नाम का, अभी पकड़ा गया जो बिहार का रहने वाला है। अब तक कितनी छली कर चुके हैं सर ये विदेश भेजने के नाम? अब ये पकड़े गए हैं, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, मीडिया में आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को लोगों को पता चलेगा। तो जिन लोग इनके ठगी के शिकार हुए होंगे वे लोग भी निश्चित रूप से पुलिस के पास आएंगे और अपनी कहानी बताएंगे। इनके लिंकेज हैं, मतलब जैसे बम्बई की कंपनी है तो एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं, मतलब एक ग्राहक को फंसाने वाला काम करते हैं। ग्राहक को फंसा के उसका पासपोर्ट और उसको विदेश भेजने के नाम पे अपने जाल में फंसाएंगे। इसके बाद फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनी से होगा, फिर और बड़ी कंपनी से होगा। इस बीच में एक तरह से बिचौलिए सौदागर काम करते हैं और कई बार झांसा देते हैं कि आपको विदेश भेजेंगे, अच्छी रकम मिलेगी काम करने के लिए। और इनका मतलब परमिट वीज़ा, जो काम वाला वीज़ा होता है ना बनवा के, टूरिस्ट वीज़ा पर इनको भेज देते हैं विदेश और वहाँ वीज़ा के टाइम पूरी होने के बाद इनको फिर वापस आना पड़ता है। इस तरह से ठगी भी करते हैं।